हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल अरुणा गौतम। और मैं हूँ अरुणा। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा ब्रेकफास्ट जो कि फुल ऑफ प्रोटीन है। फर्स्ट, ऑलमोस्ट अगर आप रोज़ भी बना के खाओगे लेकिन बोर नहीं होगे, बच्चे भी इसे बहुत पसंद करेंगे और बड़े भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने स्प्राउट मूंग और स्प्राउट चना लिया है, आधा कप के करीब है ये। और सूजी ली है मैंने 1/4 कप, और साथ में एक छोटा प्याज, 2 लहसुन की कलियां, 1 अदरक का पीस और 1 हरी मिर्च ली है, और 1/4 कप के करीब ही दही लिया है। एक छोटा कैरेट को मैंने ग्रेट करा है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स लिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम सूजी और दही को मिक्स करके 10-15 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। ये ब्रेकफास्ट इतना टेस्टी है और विद अ मिनिमम ऑयल। तो जैसे कई लोग जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं तो सूखा सूखा कई बार खाया नहीं जाता चना और मूंग, तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू हैव इट। और ये मूंग और चना को मैं अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बना लूँगी। हमारा रेडी हो गया है स्प्राउट्स का अच्छे से, और हम अब सारी चीज़ें जो हैं ये सूजी के मिक्सचर में मिला लेंगे अच्छे से सब कुछ। और अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। ये प्याज, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और ये कैरेट हमने डाल दिया। आप और भी वेजिटेबल्स इसमें यूज़ कर सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, या आप अपने बच्चों को जो भी वेजिटेबल खिलाना चाहते हैं वो सब डाल दीजिए। और यहाँ पर मैं वाइट पेपर का यूज़ कर रही हूँ। आजकल चाहे बड़े हैं बच्चे हैं, सभी फ़ोन पर इतना ज़्यादा रहते हैं कि आँखों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो वाइट पेपर जो है आँखों की प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये थोड़ा पानी डाल दिया मैंने, और इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, आधा नींबू का रस, और हरा धनिया थोड़ा सा डाल रही हूँ कट करके। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला है, तो अभी मैं इसमें नमक भी डाल रही हूँ। नमक डालना मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में एक्चुअली, तो ये नमक डाल के अच्छे से मिक्स हो गया ये हमारा बैटर। अब हम इसके अप्पे बनाएंगे। आई को थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया है, और इसमें बहुत लिटिल ऑलिव ऑयल का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। आप घी, बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। और स्पून की हेल्प से हम इसे फिल कर देंगे, और ढककर एक साइड से हम 4 से 5 मिनट तक सेक लेंगे इसे सिम गैस पे, ताकि ये पूरा अंदर तक भी अच्छे से पक जाए। और अब हम इसे ढक्कन ढक देंगे, और 4-5 मिनट के बाद फिर हम ढक्कन हटा के इसको फ्लिप कर देंगे। अगर आपको ज़रूरत लगती है ऊपर तो ही ऑयल लगाइए, अदरवाइज़ लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है तो वैसे ही पक जाएगा अच्छे से। तो ये देखिए हमारे अप्पे एकदम बन के रेडी हैं, और मैंने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। ये बहुत यम लग रहे हैं। और इसी तरह से हम अपने बाकी अप्पे भी बना लेंगे, और गर्मा गर्म चाय बनाइए, या जैसे भी सॉस के साथ आप खाइए, हरी चटनी के साथ खाइए, या वैसे ही खाइए, बहुत कुरकुरे बने हैं। तो गाइस, अगर आपको मेरी ये ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स, जो भी आप इसे कहें, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।